क्या आपको भी वैसा ही फील हो रहा है जिससे बिना शेव का देख के मुझे फील हो रहा है? पर क्या करें, मम्मी की बातें सुननी पड़ती है, कभी कभार पूरा क्लीन शेव करना पड़ता है क्योंकि जो गंदगी रहती है वो निकल जाती है। सो कज़ का पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज पूरे एक हफ्ते बाद वीडियो बन रही है। दिवाली के टाइम में मैंने वीडियो नहीं बनाया कि बिजी था, पर ये दिवाली बहुत पूरे 8 महीनों के बाद सब जगह जगमगाहट देखने के लिए मिली और सबके चेहरे के ऊपर खुशी देखने के लिए मिली। तो बहुत अच्छी गुजरी है दिवाली, आपकी भी अच्छी गुजरी रहेगी, होप सो। तो अभी जो अधूरे काम है वो पूरे करना है। तो कल मैं गया था कुर्ला मार्केट में, मैंने वो चेंज करने के लिए गया। होप आपने लास्ट वीडियो देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो प्लीज जाइए और देखिए, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा पूरा कि क्या है। तो मैं गया था हैंडल प्रोटेक्टर चेंज करने के लिए, पर वो बोला करके ये फिट हो जाएगा, आप बाइक लेके आइए। तो अभी आप भी जाएंगे हम हैंडल प्रोटेक्टर लेके कुर्ला मार्केट में, वो फिट करके देगा, वहाँ से जाएंगे फिर स्टिकरिंग करने के लिए। हॉर्नेट का पूरा मॉडिफिकेशन, सिनेमैटिक व्यू, सब कुछ ये वीडियो में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही बात, एंडिंग तक वीडियो देखें। बीच में जाओगे तो क्या मजा आएगा। आजकल दोपहर का क्लाइमेट गर्म हो गया, शाम के टाइम पे ठंडी चले हो जाती है, ठंडी का मौसम तो है ही, पर यार दोपहर में तकलीफ होती है बहुत यार। गाड़ी से लेके बाहर निकलने के लिए पूरा स्किन टोन जो यहाँ पे जो टी शर्ट के नीचे है वो तो वाइट रह जाता है, पर जो नीचे का जो हैंड पोर्शन है वो तो पूरा ब्लैक हो जाता है यार। तो अभी पूरा एयर भर रहा था टायर में, एयर कम था, शायद इसमें पंक्चर हो गया, चेक करवा के लेना पड़ेगा। मुझे हॉर्नेट का एक चीज़ बहुत पसंद आता है, उसका ब्रेकिंग। तो मोमेंट यू अप्लाई ब्रेक ये जगह पे रुक जाती है गाड़ी, मुझे ट्रैफिक में बहुत हेल्प आउट करती है कि हमारे मुंबई का ट्रैफिक क्या ही हाल बताए। और आजकल लग ही नहीं रहा है करके कोरोना है, मे बी बाय नेक्स्ट मंथ शायद, जैसे दिल्ली में लग गया है लॉकडाउन फिर से, यहाँ पे भी लगने के चांसेस है क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आके दे देना है मुझे यार। आसमान और जमीन टच करेंगे अपन आज। उसका क्लिप भी नहीं है, वो क्लिप नहीं दिया था। बाइक वाली गली में, बाइक वाली गली में B23 के बाद। तो फाइनली पूरा फिटिंग हो गया। अभी ये फिटिंग कैसे किया, कैसे क्या लगता है वो सब डिटेल्स में आपको बाद में दूंगा। पहले इसका जाके करवाते हैं स्टिकरिंग, पूरा स्टिकरिंग करवाने के बाद इसका सिनेमैटिक व्यू लेते हैं और उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगा कि कितना रुपए चार्जेस आए। हैंडल प्रोटेक्टर है, आगे का विंडशील्ड है, पीछे का सिग्नल लाइट है, पासिंग लाइट है, वो सब 1000 रुपीज़ के अंदर आ जाता है। आपका फिटिंग का हार्डली चार्जेस ले लेते हैं 100-200। तो अगर फिटिंग का जो आप इंक्लूड कर लो तो वो अप्रॉक्स चले जाता है 1200-300 तक हो जाता है, जैसे आपके मैकेनिक के ऊपर डिपेंड है, पर आपका जो भी ख़रीदारी है वो आपका 1000 रुपीज़ में आराम से आ जाता है। गाड़ी यार प्यारी लग रही है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है गाड़ी के पास, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने खुद से मॉडिफिकेशन किया ही है, मतलब बस सोच लिया कि ऐसे ऐसे करना है। बस पीछे का भी जो टेल लैम्प है, जो मेरा पासिंग लाइट है, वो थोड़ा 19-20 मुझे तकलीफ दे रहा है क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा है, बार बार लटक रहा है। तो मुझे वो भी फिटिंग करवाना है, तो कैसे फिटिंग करवाएंगे देखते हैं, पहले शायद झगड़ा हो गया सामने, तो अभी कैसे फिटिंग करना है वो बाद में देखते हैं। पर पहले जाते हैं जीटीपी नगर जाके फिर वहाँ पे हमारा काम करवा लेते हैं स्टिकरिंग का। फिलहाल अभी तो पहुँच गया मैं जीटीपी नगर और लगा है सिग्नल, ये लो भागो।
हर जगह यहाँ पे कैंप लगे, कैमरा, कैंप नहीं कैमरा। इसके पास पहले से बहुत गाड़ी पड़ी है, क्या पता करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा है। जगह मिलेगी थोड़ी सी। सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू वेरी नेक्स्ट डे। तो कल ब्लॉग में एंड नहीं कर पाया क्योंकि बज गए थे 5:30 इवनिंग के, काम होते होते अधूरा नहीं रहा, पूरा हो गया। पर अंधेरा होने की वजह से मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया क्योंकि यार अंधेरे में मज़ा नहीं आता। तो मैं ये नेक्स्ट डे पूरा कर रहा हूँ। काम तो पूरा मैंने निसार से करवाया, जितना भी स्टिकरिंग है वो निसार से ही करवाया। तो निसार का जो इंस्टाग्राम का आईडी है मैं सामने ला रहा हूँ, अगर नेचर का थोड़ा भी आवाज़ आता रहेगा, थोड़ा यहाँ पे आ जाते क्योंकि धूप यहाँ से ही है, तो अगर नेचर का थोड़ा आवाज़ आता रहेगा तो प्लीज़ इग्नोर कर लेना। तो गाड़ी अभी जो प्यारी लग रही है ना पूरा मॉडिफिकेशन के बाद, वो क्या ही बताओ। अभी आपको सिनेमैटिक व्यू दिखाऊंगा ही। तो प्लीज़ नियर बाय वॉइस के लिए इग्नोर कर लेना। तो अभी जो भी मेरी एसेसरी आपको दिख रही है सामने, वो पूरे अराउंड 1000 रुपीज़ में आ चुकी है। तो आपको जो दिख रहा है हैंडल प्रोटेक्टर और ये विंडशील्ड और ये पासिंग लाइट है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की, वो मुझे 1000 रुपीज़ में आ चुकी है। तो इसका मुझे कॉस्टिंग, ये दोनों का मैंने एक साथ कॉस्टिंग निकाला था 750 रुपीज़, और जो मेरा पासिंग लाइट है वो आ गया था 200 रुपीज़, विच कॉस्ट अराउंड 950। तो अभी मैं इसका फिटिंग आपको दिखाऊँगा कि आप जब भी हैंडल प्रोटेक्टर लेते हो तो प्लीज़ उनसे ये फिटिंग मांग लेना, क्योंकि अगर ये फिटिंग नहीं मिलेगा तो आपको बाहर अवेलेबल मिलना मुश्किल है। तो ये मैंने फिटिंग उनसे ही मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ ही। तो ये जब मैंने विंडशील्ड का फिटिंग करवाया है तो यहाँ पे स्क्रू है, तो ये मुझे लगने के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको होल करवाना है जो आपका मैकेनिक करवा के दे देगा, वो बस 10-15 मिनट का काम है, वो करवा के दे देंगे। और आपको जो सेकेंड पार्ट है ये वाला, वो मेरा कार्बन फाइबर मैंने स्टिकरिंग इसलिए करवाया कि ये मेरा पार्ट बहुत डस्की हो गया था, मतलब कलर उड़ चुका था, और सेम मैंने बात यहाँ पे करवाई है। तो अभी जो मेरा दिख रहा है ये वाला पार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, ऑसम दिख रहा है। और जो मेरा पासिंग लाइट है, पासिंग लाइट हो पर अपने पहले भी दिखा रहेगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता रहेगा कि पासिंग लाइट कैसे दिखता है। ये सब मैंने चीज़ें ले ली है कुरला मार्केट से। तो कुरला मार्केट आप जब भी जाओगे तो प्लीज़ चेक करवा के लेना जो भी चीज़ ले रहे हो, क्योंकि मैंने ये फिटिंग करवाने के लिए बहुत मगजमारी करवाई। कल भी गया कुरला CST मार्केट, वहीं से फिटिंग करवाई, क्योंकि मैंने नॉर्मल मेरे मैकेनिक के पास दिया तो वो फिटिंग नहीं करवा पाया क्योंकि उसको नहीं जम रहा था। तो ये मैंने फिटिंग वहीं से करवाया। तो प्लीज़ टेक केयर कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाओगे तो बाइक सीधा वहाँ पर लेके जाना, तो आपको वहीं पर फिटिंग करवा के मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये जो निसार से मैंने स्टिकरिंग करवाया वो मुझे कॉस्ट गिरा 250 रुपीज़, तो मेरे लिए रिजनेबल है। आप अपने चैनल का नाम दीजिए रोड माफिया के नाम से, जाइए वो भी आपको रिजनेबल रेट में करवा के दे देगा। तो चलिए घर निकलने का टाइम आ चुका है क्योंकि अभी बज गए 3, अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया है, मुझे लंच करके निकलना है मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल मेरे जीजा जी को छोड़ने जाना है एक्चुअली, क्योंकि मेरी बहन आई है सूरत से, तो अभी उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे छोड़ के आना है वापस। बहुत दिन पूरा बिजी होने वाला है और आज से जिम चालू होगी हमारी, तो क्योंकि सेहत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ठंडी बढ़ चुकी है। अब दोपहर के टाइम पे भी ठंडी महसूस होनी चालू हो चुकी है। तो अब मैं बाइक जा रहा हूँ देने मेरे भाई को, वहाँ से हमारी छोटी नन्नी परी, नील परी, उसको पिकअप करना है और वहाँ से जाएंगे हम घर पे। तो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग, होप यू एंजॉयड द व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक, डू सब्सक्राइब। अगर नहीं पसंद आया होगा तो एज ऑलवेज वी से डिसलाइक करो, कमेंट करो, तो हम चेंजेस करके बहुत कुछ नया आएंगे। तो असल विस्सा बेबी, वर्क हार्ड और नॉट स्टे फिट, स्टे हेल्दी।